ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री टीला जी की कथा सुनाएंगे। ये ऐसे भक्त थे कि एक सिद्ध संत ने इनको दर्शन दिए और इनसे कहा कि मुझे दूध पिलाओ। जैसे ही ये दूध लाने के लिए जाने लगे, उन संत ने कहा कि सामने जो गाय है उससे ही दूध ले आओ। परंतु वो गाय तो बांझ थी। उनकी ऐसी कृपा हुई कि बांझ गाय के थनों पर हाथ लगाते ही दूध की धार निकलने लगी। ऐसे ये भक्त थे। अब हम आज इन्हीं की कथा को श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, श्री टीला जी महान गौ भक्त थे। एक बार वे गाय चराते हुए वन में गए और वहीं भगवान का भजन करने लगे। इसी बीच एक महान सिद्ध संत पधारे और बोले कि मुझे दूध पिलाओ। आपने संत को भगवंत के तुल्य मानकर, यानी भगवान मानकर ही उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे श्री राम जी महाराज, आप कृपा करके थोड़ी देर इस स्थान पर विराजें, मैं अभी दूध लाता हूँ। संत ने कहा, कहीं लेने मत जाओ, उस गाय को दूह कर ले आओ। श्री टीला जी ने कहा, भगवान, यह गाय तो बांझ है। पुनः संत ने कहा, तुम जाकर देखो तो सही, बिना देखे ही क्यों इनकार करते हो। तब श्री टीला जी ने जाकर देखा तो उसके स्तन से, यानी ऐसा लग रहा था कि इसके स्तनों में दूध भरा दिखाई पड़ा। हाथ लगाते ही दुग्ध धारा बहने लगी। आपने आश्चर्यचकित होकर दूध दुहकर संत को दिया। संत ने दुग्ध पान किया, दूध पिया और शेष थोड़ा सा प्रसाद टीला जी को भी उन्होंने दिया। उसे पीते ही टीला जी को सब सिद्धियां प्राप्त हो गई। श्री टीला जी को बड़ा ही आनंद आ गया। संत भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वस्तुतः इस रूप से श्री पयहारी जी ने ही आप पर कृपा की थी। कालांतर में पुनः संतों की प्रेरणा से आकर इन्हें दीक्षा भी दी। श्री टीला जी की ग्रस्त एवं विरक्त दोनों परंपराएं प्राप्त होती हैं। दोनों में महान सिद्ध संत हुए हैं। श्री टीला जी का जन्म खाटू खंडेला के पास कालुड़ा गांव में हुआ था। ये परम प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध जोशी गोत्री ब्राह्मण थे। इनके पुत्र श्री परमानंद दास जी का जन्म भी वहीं हुआ। उनके एक पुत्र भी थे जिसका नाम लाड़ाबाई था, यानी कि उनका नाम था पुत्री, यानी वो पुत्री हुई थी, उसका नाम था लाड़ाबाई। उसके पतिदेव श्री खेमजी भी महान भक्त थे। दोनों ही सिद्ध भक्त थे। दंपति ने चक्र तीर्थ गांव में रहकर भजन एवं भक्ति का प्रचार किया। श्री टीला जी की भक्ति के अतुल प्रभाव से उनके पुत्र श्री परमानंद दास जी एवं उनके चार पुत्र जोगी दास, हरिदास, ध्यान दास, केशव दास जी हुए। ये सब बड़े संत सेवी एवं भगवत प्रेमी हुए। मनोहर पुरा के राव लूण करण जी ने श्री टीला जी की भक्ति एवं संत सेवा से प्रभावित होकर संबत 1602 में इनको 400 बीघा भूमि भेंट की। श्री टीला जी के पौत्र श्री केशव दास जी का जन्म यहीं खोरी में हुआ था। इनके पिता यहीं आ गए थे। खोरी गांव जयपुर राज्य में शाहपुरा के पास है। यहीं पर श्री परमानंद जी की छतरी है।
भावुक भक्त यहाँ पहुंचकर दर्शन प्रणाम करके अपने को कृत्य कृत्य मानते हैं। श्री जोगी दास ने खेलना ग्राम में अपना एक मंदिर बनाया। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर बासा ने इन्हें जागीर दी थी। भक्त जनों, संसार में भरत खंड रूपी सुमेरु पर्वत के शिखर के समान श्री टीला जी एवं उनके विरक्त शिष्य श्री लाहा जी की परंपरा बहुत ही प्रसिद्ध हुई। श्री टीला जी के पुत्र शिष्य श्री परमानंद जी हुए। ये जगत में जागते सावधान रहते हुए भजन करते रहते थे। श्री जोगी दास जी अति तीव्र वैराग्य और विवेक वाले थे। श्री खेम जी उदार मन वाले, श्री ध्यान दास जी, श्री केशव दास जी सभी हरि भक्तों के अनुरागी थे। स्पष्ट वाणी वाले श्री त्योला जी लोहार वंश में परम प्रसिद्ध थे। श्री हरिदास जी का श्री हनुमान जी में परम प्रेम था। श्री टीला जी की परंपरा के सभी ग्रस्त विरक्त संत नवदा भक्ति की उपासना में प्रवीण वैष्णवों की सेवा और वैष्णवों में प्रेम रखने वाले, उनकी भक्ति करने वाले हुए। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। श्री टीला जी को प्रणाम करते हुए भक्त जनों, ओम श्री परमात्मने नमः।